हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप एक नए फ़ोन लेने की सोच रहे हो और आपका बजट 25,000 है और आप कंफ्यूज है कि आप कौन से फ़ोन लें जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम और आज आपको इस वीडियो के थ्रू 5 ऐसे बेहतरीन फ़ोन्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको मात्र 25,000 के अंदर मिल जाएंगे। और हमारी कोशिश यही रही है कि इस बजट रेंज के सबसे बेहतरीन फ़ोन्स आज आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाया जाए, जिसे आप काफ़ी पसंद भी करने वाले हैं। और जितने भी फ़ोन्स आज आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे, सभी में आपको बेहतरीन प्रोसेसर मिल जाएगा, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ आपको सभी में पावरफुल मैसिव बैटरी मिल जाएगी और सभी में आपको ट्रूली 5G कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको सभी फ़ोन्स का जो डिस्प्ले होगा वह काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाएगा और सभी में आपको काफ़ी बड़े डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। और सभी फ़ोन्स में आपको लेग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी गेमिंग है और आप गेमिंग के पर्पज़ से फ़ोन को परचेस करना चाह रहे हैं और आपका बजट 25,000 के आसपास है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। आज आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक बेहतरीन विकल्प मिल जाएगा 25,000 के बजट रेंज का। तो आइए बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट के सबसे नंबर वन के फ़ोन की, जो है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE4। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, OnePlus एक काफ़ी नामी गिरामी ब्रांड है और अपने यूजर्स को हमेशा एक बेहतरीन फ़ोन ये प्रोवाइड करवाता है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो 24,999 इसका प्राइस है। 8GB रैम आपको इस फ़ोन में मिलता है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। अब इसे कुछ धमाकेदार फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फ़ोन में आपको 100W का सुपर होक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 7th Gen 3rd का आपको प्रोसेसर इस फ़ोन में मिल जाता है। 120Hz का AMOLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। 50MP का सोनी का OIS कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, जो कि आपको एक बेहतरीन कैमरा क्वालिटी का अनुभव कराएगा। उसी के साथ आपको 5500mAh का एक पावरफुल मैसिव बैटरी इस फ़ोन में देखने को मिलता है, जो कि आपको एक काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप भी देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। 2.8D रियर कवर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्लिमेस्ट फ़ोन आपको इस फ़ोन में अनुभव कराएगा। और 2 बेहतरीन कलर वेरिएंट में आपको ये फ़ोन मिल जाता है। और चिपसेट इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी पावरफुल है दोस्तों। इस फ़ोन में आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है 8GB तक का, जिसके थ्रू आप रैम को एक्सपेंड कर पाओगे। 1TB तक आप इस फ़ोन में रोम को भी एक्सपेंड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ SD कार्ड। 100W का सुपर वोक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, कुछ सोया था भी और सोता वो जो गेटअप बज गया था, फुल चार्ज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। और आपको ऑक्सीजन का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात की जाए तो 14 का एंड्रॉयड वर्जन आपको इस फ़ोन में मिल जाता है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में दिखाई देगा दोस्तों। 6.7 inches का सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 50MP का आपको प्राइमरी कैमरा इस फ़ोन में देखने को मिलता है। 2MP dual कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलता है रियर में। और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड का भी सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है और भी कई सारे फीचर्स, OIS का फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। और भी आपको इस फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी अच्छा बना रहे हैं, पावरफुल फ़ोन बना रहे हैं। ये बात करते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, जो है Honor की तरफ से Honor X9B, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। काफ़ी धमाकेदार फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं। 24,999 इसका प्राइस है। अब इसके कुछ धमाकेदार फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, Honor X9B 2 बेहतरीन कलर वेरिएंट में आपको ये फ़ोन मिलता है। 8GB रैम और 256GB का लार्ज स्टोरेज आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आपको 6.7 inches का कर्व AMOLED डिस्प्ले इस फ़ोन में मिलता है। 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है और निट्स पीक ब्राइटनेस इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी बेहतरीन इस फ़ोन का, क्रिस्टल क्लियर डिटेल्स आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं। पिक्सल रेजोल्यूशन इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आपको ये फ़ोन मिल जाता है। 108MP का कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलता है, जो कि आपको बेहतरीन कैमरा क्वालिटी का अनुभव कराएगा और अपने जीवन के सुनहरे अवसरों को इसमें संजो के रख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 6th Gen 1 का चिपसेट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। एड्रेनो 710 का GPU आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। 3 days बैटरी लाइफ, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। 5800mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। USB डेटा केबल सभी फ़ोन Amazon पे अवेलेबल है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं अल्ट्रा बाउंस एंटी ड्रॉप डिस्प्ले, जो कि अभी भारत का सबसे पहला फ़ोन है जो कि एंटी ड्रॉप टेस्ट को क्रॉस करके आया है। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों, ऑनर एक्स 9B 5G। आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, जो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो F25 Pro 5G। इसके प्राइस की अगर बात की जाए तो 23,999 इसका प्राइस है। 8GB रैम आपको इस फ़ोन में मिलता है, 256GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, 6.67 इंचेस का फुल एच डी AMOLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, IP65 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अब इसके कुछ और भी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फ़ोन में आपको दो रैम वेरिएंट और दो रोम वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, आप अपने बजट के अनुरूप इसे परचेस कर सकते हैं एक बार चेक करके। अगर कलर वेरिएंट की बात की जाए तो दो बेहतरीन कलर वेरिएंट में आपको ये फ़ोन मिल जाता है। और अभी जिस फ़ोन की हम बात कर रहे हैं उस फ़ोन में आपको 8GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, डुअल 5G सिम स्लॉट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, 6.67 इंचेस का आपको AMOLED डिस्प्ले अल्ट्रा नैनो बेजल्स के साथ, 93.4 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो कि काफ़ी बेहतरीन है इस फ़ोन के लिए, पिक्सल रेजोल्यूशन भी इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का IMX615 का सोनी सेंसर फ्रंट कैमरा सेल्फी आपको जो कैमरा मिल रहा है काफ़ी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, डुअल रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, वाइड एंगल कैमरा भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। दोस्तों मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ताकि आपको हर एक फीचर से रूबरू आप हो जाए और आपको पता चले कि हर फ़ोन में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं अपने अगले फ़ोन की, Realme 12 Pro 5G, 23,578 अगर आप खर्च करते हैं तो आपको फ़ोन मिल जाएगा, काफ़ी बेहतरीन और लुकिंग वाइज काफ़ी फ़ोन ये तगड़ा है। इस फ़ोन में आपको 8GB रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, Realme 12 Pro 5G। इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है, 67W का सुपर वॉक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, उसी के साथ 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है, 6.72 इंचेस का डिस्प्ले साइज, फुल HD AMOLED OLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का 2x फ्लैगशिप कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल का सोनी की तरफ से वॉइस कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलता है। आइए बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, जो है Realme G2 Neo 3। इसके प्राइस की अगर बात की जाए 23,624 इसका प्राइस है, 12GB रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। अब इसे कुछ धमाकेदार फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले साइज की। इस फ़ोन में आपको 6.7 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 का 5G पावरफुल प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलता है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।